साथियों, आज हम बात करेंगे कैंप्स की, जो 13 दिसंबर को यानी आज के दिन 5% से अधिक टूट गया। एक समय तो ये 6% तक गिर गया था। एक डर का माहौल बना और छोटे निवेशक जिनके पास इस कंपनी के शेयर थे उनके बीच एक डर का माहौल बन गया। तो साथियों, अगर आप छोटे निवेशक हैं, आपके पोर्टफोलियो पे इस कंपनी का शेयर है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखने की जरूरत है और इसके गिरने के कारण को समझने की जरूरत है। अगर इसके गिरने का कारण देखें तो एक बड़े निवेशक का बड़ी मात्रा में एक साथ माल को बेच देना, जिसे कम कीमत में किसी दूसरे निवेशक द्वारा खरीदा गया। तो साथियों, ये शेयर बाजार है, यहां पर भारी मात्रा में माल की बिकवाली भी होती है और उसी मात्रा की खरीदारी भी होती है। ये सिलसिला चलता रहता है। बस आपको समझने की जरूरत है कि इसके पीछे का कारण क्या है, और जब ऐसा मौका आए, ऐसी बड़ी गिरावट हो, तो जो छोटे निवेशक है, जो जिनकी छोटी छोटी पूंजी होती है, उन निवेशकों को क्या करना चाहिए, ये आपको समझने की जरूरत है। इसके लिए कंपनी के फंडामेंटल्स की जांच करें। अगर कंपनी मजबूत है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट है, तो आप छोटी छोटी राशि का निवेश करते रहें, इस गिरावट का फायदा उठाएं। साथियों, अगर इस कंपनी की संरचना देखें तो कंपनी मूल रूप से एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी हो या म्यूचुअल फंड हो, इनको अपनी सेवाएं देती रहती है। और जैसे जैसे इन एएमसी और म्यूचुअल फंड का कारोबार बढ़ेगा, इस कंपनी का कारोबार भी बढ़ता रहेगा। साथियों, इसका जो व्यापार है, इसके जो व्यापार का नेचर है, इसमें यह कंपनी अपने क्षेत्र की एक लीडर कंपनी है। साथियों, अगर आप स्क्रीनर की साइट पर जाएं और स्क्रीनर की साइट पर जा करके आप इस कंपनी के विषय में पढ़ें तो आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। साथियों, जहां तक हम बात करें इस कंपनी की, इसके मार्केट कैपिटल की, तो साथियों, ये लगभग 13,000 करोड़ की एक छोटी कंपनी है। और चूंकि एक छोटी कंपनी है, इसलिए इसमें फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, गिरावट होती रहती है। एक मात्रा, बड़ी मात्रा बाजार में आती है बिकने के लिए, दाम गिर जाते हैं, और जब बड़ी खरीदारी अचानक आती है तो दाम बढ़ जाते हैं। इसलिए साथियों, अगर आप ऐसी छोटी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने पोर्टफोलियो के 4% यानी 4% से ऊपर कभी भी निवेश न करें, वो भी आप 4-5 किस्तों में, ताकि साथियों, आप हर वोलेटिलिटी में, गिरावट में, आप इसका फायदा उठा सकें। साथियों, ये कंपनी एएसएम लिस्ट में है, इसमें कुछ पाबंदियां हैं जिसकी वजह से अभी कुछ समय ये अभी एक प्राइस रेंज में ही चलने की अनुमान लगाई जा सकता है। साथियों, अगर आप देखें तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 57% के आसपास है, और जो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो करीब 44% के आसपास है। आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी।
अगर आप साथियों इसके फेस वैल्यू की बात करें तो ये 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है। साथियों अगर हम पी की रेशियो की बात करें, पी रेशियो अर्थात 1 रुपया अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो मार्केट में इसके कितने दाम हैं। तो साथियों अगर हम इसके 1 साल का अनुमान लगाते हैं तो इसका जो औसत जो पी रेशियो है वो करीब 56 के आसपास है, 56, और साथियों उससे भी नीचे आज ये 48 के आसपास मिल रहा है। आप स्क्रीनर की साइट पे जाकर के इसके पी रेशियो का कंपैरिजन कर सकते हैं। और साथियों पी रेशियो कम होने का कारण जो है वो ये है कि 2021 में कंपनी का प्रॉफिट काफी बढ़ा है। अब साथियों आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर ये जो कंपनी है अचानक इसमें 6% की गिरावट आई, कोई बहुत बड़ा कारण होगा। साथियों अगर आप इसके सेल्स देखें 2019 से तो आप इसके सेल्स बढ़ते हुए क्रम में लगातार देखेंगे, 162, 180, 191, 216। अगर आप इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट अगर एनुअल बेसिस पे देखें तो साथियों जो पहले आपने देखा था वो क्वार्टरली बेसिस पे था, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, लेकिन अगर आप एनुअल बेसिस पे देखें पिछले 5 सालों में तो 160 करोड़ था, थोड़ा सा कम हुआ, 112 आया, उसके बाद 164, 219 और अभी 277 के आसपास है, 277 के। साथियों अगर आप इसके रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो पिछले 4 बार से आप देखें तो 364 करोड़, 343 करोड़, 437 करोड़, 410 करोड़। तो ये धीरे धीरे आपको बढ़ते क्रम में ही मिलेगा, हालांकि हर का उतार चढ़ाव होता है। लेकिन अगर आप बोरोइंग की बात करें तो आपको शून्य मिलेगी, आप कह सकते हैं कि लगभग एक ये डेट फ्री कंपनी है। साथियों अगर आप इसके शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप ये देखेंगे कि एफआईआई और डीआईआई का इसमें काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। उनके पास अगर मिला करके कहें तो लगभग 41% के आसपास इन बड़े निवेशकों के पास है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि एक मजबूत कंपनी है। अगर आप टिकर टेप की साइट पर जाएं तो साथियों आप देखेंगे कि टिकर टेप की साइट पर इसका जो प्रॉफिट है वो अपने जब से ये लिस्ट हुई है तब से इसने 106% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इसने 92% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 महीने में इसने लगभग 9% का माइनस रिटर्न दिया है। तो साथियों आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी पिछले 1 साल में 92% भागी हो तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसी छोटी कंपनी में 10-15% इसका नीचे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साथियों ये एक मजबूत कंपनी है, अगर ऐसे 5% 6% की गिरावट आती है तो ये आपके लिए एक मौका है, आप अपनी किस्तों में से एक किस्त का निवेश यहां पर कर सकते हैं। साथियों आप मनी कंट्रोल की साइट पर जाएं और मनी कंट्रोल की साइट पर जाकर के इसके रेवेन्यू को देखें, 2017 से आप देखें 458 करोड़, 605 करोड़, 651 करोड़, 661 करोड़, 673 करोड़। अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें
तो ये 2019 में 112 करोड़ था, फिर 164 करोड़ हुआ, 218 करोड़ हुआ। अगर इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2019 में 23 करोड़ था, 33 करोड़ हुआ और फिर 44 करोड़ हो गया। साथियों अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ता रहा है, हालांकि 2021 में कुछ माइनर से कम हुआ है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आप देखेंगे कि 2019 से 28%, फिर 33% और उसके बाद 46%। साथियों ये एक डेट फ्री कंपनी है, इसके पास कोई कर्ज नहीं है और इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये एक बेस्ट कंपनी है। छोटी कंपनी है इसलिए वोलेटाइल रहती है, इसीलिए मुझे आपको सलाह है कि आप इस कंपनी पे छोटे छोटी राशियों में निवेश करें और अपने पोर्टफोलियो के 4% से ज़्यादा किसी भी ऐसी छोटी कंपनी में निवेश ना करें। साथियों जब कभी छोटी कंपनी में एक बड़ी गिरावट होती है तो वो इसलिए होती है कि कोई ना कोई बड़ा निवेशक अपने माल को सस्ते में बेचता है, अर्थात कहें कि वो प्रॉफिट बुकिंग करता है। अगर कोई कंपनी एक साल में 100% भाग चुकी है तो कुछ बड़े निवेशक वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और ऐसे समय ऐसी कंपनी में छोटे निवेशकों को कुछ मात्रा में खरीदने का मौका मिलता है। साथियों आप इस गिरावट का फायदा उठाएं, लेकिन कुछ भी करने के पहले आप अच्छी तरह से जांच परख लें और जांचने परखने के बाद ही उस पर कोई निर्णय लें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें और व्यापार की परख करने के बाद, उसकी मजबूती देखने के बाद, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसके शेयर्स, उसके रिजर्व्स, ये सब कुछ उसके फंडामेंटल्स देखने के बाद अगर उसमें बड़ी गिरावट होती है तो उस गिरावट का मौका आप उठा सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।